द आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक और प्रणेता श्री श्री रविशंकर ने जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित हैप्पीनेस महोत्सव को संबोधित किया। श्री श्री रविशंकर ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए जीवन जीने की कला से संबंधित टिप्स दिए। उन्होंने ये भी कहा कि खुश रहकर जीवन को सरल बनाया जा सकता है। वहीं उन्होंने युवाओं को प्रेरणादायक संदेश दिया। रविवार को श्री श्री रविशंकर मेहंदीपुर बालाजी धाम पर राधा गोविंद देव जी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। परम श्रद्धेय गुरुदेव आज सुबह जयपुर पधारे हैं। अभी वे भक्तों से आश्रम में मिलकर के और हैप्पीनेस महोत्सव में यहाँ पधार रहे हैं, जहाँ पर गुरुदेव ने जो सुदर्शन क्रिया और साथ में जो अन्य हमारे कार्यक्रम हैं, जो हमारी कोर्सेज हैं जो चल रहे हैं, उनके पार्टिसिपेंट से मिलेंगे, उनको उद्बोधन देंगे और उसके बाद गुरुदेव यहीं से सीधे मेहंदीपुर बालाजी प्रस्थान करेंगे, जहाँ कल मॉर्निंग के अंदर में 7 बजे एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। मेहंदीपुर बालाजी के अंदर में राधा गोविंद की मूर्ति की स्थापना की ये शुरुआत करेंगे। अगर हम बात करें चिकित्सा क्षेत्र की तो RUHS आज सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जिसके अंदर सारे मेडिकल कॉलेजेस आते हैं। डॉक्टर सुधीर भंडारी जी के साथ हम ये MOU करने जा रहे हैं RUHS में। हम MNIT से भी MOU करने जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर NP पदी साहब डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ IAS यूनिवर्सिटी डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, और साथ ही साथ हम करने जा रहे हैं MOU एक और विश्वविद्यालय के साथ, जो कि बहुत ही एक गौरव की बात है। और इन चारों MOU का करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो ये है कि छात्र छात्राओं तक आर्ट ऑफ लिविंग का जो ज्ञान है, ध्यान है, और आर्ट ऑफ लिविंग की जो शिक्षा है, कि युवाओं का विकास हो, वो अंतर्मुखी तो बने और साथ ही साथ जब आँखें खोलें तो दुनिया जीतने की शक्ति भी प्राप्त करें।